हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो, क्या हाल आप सबके? गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो भाई, क्या हाल चाल सबके? मेरा नाम आफरीन नस्बत है और आप सबका आफरीन नस्बत यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत वेलकम है। क्या हाल है, कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो ये सब बताओ कि आवाज़ वगैरह परफेक्ट आ रही है, किसी को आवाज़ वगैरह का कोई इशू? गुड इवनिंग करुणा चौधरी, गुड इवनिंग विवेक कुमार, हेलो अतुल, हेलो रोहित, हेलो एवरीवन। आज की क्लास है वॉल्केनोस के ऊपर बेस्ड क्लास 2। इससे पहले हमने एक सेशन लिया था जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझा दी थी वॉल्केनोस से रिलेटेड। आज हम उसी सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। इनकेस आप में से किसी भी स्टूडेंट ने वो फर्स्ट पार्ट मिस किया है तो ज़रूर से उस सेशन को अटेंड करना, क्योंकि वहाँ पर मैंने बेसिक्स इतनी सारी चीज़ें समझा दी थी जिसके ऊपर पूरे बेस्ड क्वेश्चंस आज की क्लास में हम करने वाले हैं, ठीक है? तो इनकेस आप में से कोई भी स्टूडेंट है जो कि मिस कर चुका है वो क्लास, इसी चैनल पे जाके देखना, वो पार्ट 1 है, ऑलरेडी मैंने उसको पढ़ाया है 2-3 दिन पहले। वालेकुम अस्सलाम, हेलो एवरीवन। और साथ ही साथ जो है, अगर आपको इस पूरे के पूरे क्लास का PDF चाहिए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम में मैं आप सबको PDF प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF है, ठीक है? प्रशांत सोलंकी, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन, वालेकुम अस्सलाम। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर करो ताकि हमसे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ सके। उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी कह लो, वो है अनअकैडमी में फ्री कॉम्बैट होने वाला है। फ्री कॉम्बैट का मतलब है आप सबको अनअकैडमी प्लस में सब्सक्रिप्शन, फ्री सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका मिलेगा। एक्चुअली कल जो है यानी संडे को 12 बजे ये SSC का कॉम्बैट होने वाला है। SSC का कॉम्बैट का मतलब एक आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, 12 बजे से एक घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना है। इस एग्ज़ाम के बेसिस पर सारे स्टूडेंट के लिए 1 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप का प्रोग्राम अनअकैडमी ने फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबको दिया है। आप जितना अच्छा यहाँ परफॉर्म करोगे उतना आपको स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा, साथ साथ फ्री सब्सक्रिप्शन भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। ये सब स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। मैं चाहती हूँ कि इस पूरे के पूरे चैनल के स्टूडेंट्स इस कॉम्बैट में पार्ट लेकर फर्स्ट आए। स्कॉलरशिप तो आपको मिलेगी ही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो भी इस कॉम्बैट में फर्स्ट आए वो हमारे ही चैनल का बच्चा हो, ठीक है? आपको यहाँ पर एक पासवर्ड पूछा जाएगा इसमें एनरोल करने के लिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। अगर आपसे पासवर्ड पूछा जाए तो पासवर्ड के लिए आप Afreen111 कोड इस्तेमाल करके इस फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट में एनरोल कर सकते हो। इससे अच्छा मौका कहीं नहीं मिलेगा। 1 घंटे का एग्ज़ाम है, बिल्कुल सरल एग्जाम होगा। उम्मीद करती हूँ कि तुम सारे के सारे इस कॉम्बैट को ज़रूर कल अटेंड करोगे, ठीक है? कल संडे 12 बजे, ठीक है? मैं टेलीग्राम चैनल में इसका लिंक फिर से शेयर कर दूंगी ताकि क्लास से पहले या 12 बजे से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इन सारे के सारे टेस्ट का, ठीक है? ओके, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो, तो लास्ट क्लास में बेटा देखो, मैंने आपको यहाँ से स्टार्ट किया था कि 2 तरीके की रॉक्स होती हैं। एक बार थोड़ा सा 2 मिनट में मैं रिवाइज करवा दूंगी और उसके बाद आगे बढ़ूंगी, ठीक है? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना, 2 तरीके की रॉक होती हैं। एक होती है इंट्रूसिव रॉक और एक होती है एक्सट्रूसिव रॉक। बताया था मैंने, इंट्रूसिव रॉक जो है, जब लावा जो है वो अर्थ क्रस्ट के बाहर आने से पहले ही अंदर कूल डाउन हो जाए। क्रस्ट से बाहर नहीं आ रहा, लावा क्रस्ट से बाहर आने से पहले ही अंदर ही कूल डाउन हो जाए, तो वो कूल डाउन होने के बाद जो रॉक्स बनती हैं वो है इंट्रूसिव रॉक। और एक्सट्रूसिव रॉक यानी जब लावा जो है बाहर आने, क्रस्ट से बाहर आ जाए और बाहर आने के बाद, एयर में आने के बाद वो कूल डाउन हो, तो वो हमारे लिए क्या होगा? एक्सट्रूसिव रॉक होगा, ठीक है? तो इंट्रूसिव यानी क्रस्ट में आने से पहले ही वो रॉक बन जाए, एक्सट्रूसिव यानी वो क्रस्ट से आने के बाहर, एयर के कॉन्टैक्ट में आने के बाद, कूल डाउन होने के बाद रॉक बनता है। इंट्रूसिव देर से ठंडा होता है यानी स्लोली कूल डाउन होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये क्रस्ट के अंदर है, ठीक है? कोई चीज ढकी हुई है, क्रस्ट के अंदर है, तो उसको कूल होने में टाइम लगता है। एक्सट्रूसिव रैपिडली कूल होता है क्योंकि उसमें एयर लगती है, तो जाहिर सी बात है वो इंट्रूसिव से कंपैरेटिवली ज्यादा तेजी से कूल डाउन होता है।
इंट्रूसिव जो है, क्योंकि वो धीरे धीरे कूल डाउन होते हैं तो इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हमेशा लार्ज बनते हैं। एक्सट्रूसिव क्योंकि बेटा रैपिडली कूल डाउन होता है तो इसके क्रिस्टल जो हैं छोटे छोटे स्मॉल बनते हैं। इंट्रूसिव मोस्टली ग्रेनाइट होता है और एक्सट्रूसिव मोस्टली बेसाल्ट होता है। लास्ट क्लास में ऑलरेडी ये मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको लैंडफॉर्म समझाए थे कि भाई जो क्रस्ट में आने से पहले ही जब रॉक कूल डाउन होगी तो अंदर कोई ना कोई आकार बनेगा, कोई ना कोई शेप बनेगा। तो वो लैंडफॉर्म यानी अपीयरेंस किस तरीके से है, तुम कैसे उसको देख पा रहे हो, उसका अपीयरेंस कैसा है, उसके अकॉर्डिंग 6 लैंडफॉर्म्स मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी। अब वो 6 लैंडफॉर्म क्या है? पहला मैंने आपको सिल बताया था, ध्यान से सुन लीजिए। पहले मैंने आपको क्या बताया था? सिल। सिल यानी जब दो लेयर्स के बीच में हॉरिजॉन्टल लावा जम रहा है तो वो है सिल। डाइक, जब लेयर्स को हमेशा पेनिट्रेट करके लावा ऊपर आ रहा है, यानी मल्टीपल लेयर्स को पेनिट्रेट करके लावा ऊपर आ रहा है, वर्टिकल पोजीशन है, तो वो हमारे लिए है डाइक। बैथोलिथ मैंने आपको बताया था, जब लावा बहुत लंबे एरिया में यानी 100 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा के एरिए में जम रहा है, फ्लैट सरफेस में लावा कूल डाउन हो रहा है, तो उसे हम बैथोलिथ कहते हैं। लोकोलिथ जो है मैंने आपको बताया था, उल्टी कटोरी के शेप में, यानी ऊपर से कर्व, लावा इस तरीके से जमा है कि ऊपर से कर्व है और नीचे से फ्लैट है, तो वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए लैकोलिथ है। लोपोलिथ क्या है? लोपोलिथ बेटा कटोरी शेप का, यानी नीचे से कर्व है और ऊपर से फ्लैट है, यानी लावा इस प्रकार से जमा हो कि वो नीचे से कर्व है और ऊपर से फ्लैट है, तो वो हमारे लिए क्या है बेटा? लोपोलिथ के नाम से जाना जाता है। और फैकोलिथ यानी जब हम कर्व के शेप में देख रहे हैं कि जो कर्व लेंस के शेप में जब कर्व में लावा जम रहा है तो उसे हम फैकोलिथ के नाम से जानते हैं। तो ये लास्ट क्लास में इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स के 6 प्रकार मैंने आपको समझाए थे, डन। अब आगे बढ़ते हैं और इसके आगे मैं आपको यहाँ पर ये मैंने इमेज बताई थी और मैंने आपको इसके प्रकार बताए थे कि देखो अगर हम फर्स्ट देखते हैं ये, तो ये हमारे लिए लैकोलिथ है। क्यों लैकोलिथ? देखो ऊपर से कर्व है और नीचे से फ्लैट है, तो ये हमारे लिए बेटा क्या है? ये हमारे लिए लैकोलिथ है। अच्छा 2 देखो, ये हमारे लिए डाइक है, देख रहे हो वर्टिकली आके जम रहा है, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए डाइक है। थर्ड मैंने आपको बताया था, ये देखो फ्लैट सरफेस में लावा जमा हुआ है काफी लंबे बड़े एरिया में, ठीक है, तो ये हमारे लिए बैथोलिथ है। चौथा हमारे लिए क्या है बेटा? डाइक। यहां पर देखो फोर्थ है हमारे लिए क्या? डाइक, क्योंकि वर्टिकल पोजीशन पे जमा है। फिफ्थ हमारे लिए क्या है? सिल बेटा। फिफ्थ हमारे लिए क्या है? सिल, जो दो लेयर्स के बीच में जमा है, ठीक है। अच्छा सिक्स्थ हमारे लिए क्या है? एक्सट्रूसिव, क्योंकि देखो क्रस्ट के बाहर आ रहा है लावा, तो वो है एक्सट्रूसिव। और सेवेंथ हमारे लिए क्या है? लोपोलिथ। लोपोलिथ क्यों? क्योंकि वो नीचे से कर्व है और ऊपर से फ्लैट शेप में जमा है, ठीक है। प्रवीण सरन, बेटा इकोनॉमी की वीडियो ऑलरेडी मैं काफी अपलोड करती रहती हूं, तो कभी कभी कमेंट करने से पहले जो है चेक कर लिया करो कि कौन सी वीडियोस हैं और कौन सी वीडियोस नहीं हैं, ठीक है। तो आ जाते हो इसी तरीके से बिना कोई चैनल चेक करे, बिना किसी को कुछ पता हो, और ध्यान से सुन लो, अगर काफ़ी बात स्पैम करोगे तो स्पैम करने पर तुम्हारे कमेंट्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, इसलिए स्पैम करने से बचो, ठीक है। ओके तो चलिए हम इसके आगे स्टार्ट करें। पर यहाँ पर अब तक मैंने आपको क्वेश्चन जो है बता दिया है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में ऑलरेडी यार मैंने पढ़ा दिए थे तुम सबको, है ना। तो जैसे कि पीछे मैंने क्या क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्टिकुलर इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, वर्टिकल इंट्रूसिव लैंडफॉर्म इसमें से कौन सा होता है। तो वर्टिकल इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, अगर तुम पीछे की इमेज देखोगे, ये देखो ये वर्टिकल है, किस तरीके से लग रहा है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? ये हमारे लिए डाइक हो जाएगा, ठीक है, डन।
तो ये हमारे लिए क्या है बेटा, डाइक। डाइक इज द वर्टिकल इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। ये आपको समझने में तभी आसानी होगी अगर आप ऑलरेडी मेरी वीडियोस को देख चुके हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं द लार्ज स्प्रेड ऑफ मैग्मा ओवर 100 किलोमीटर स्क्वायर एंड फॉर्म इंट्रूसिव लैंडफॉर्म इज कॉल्ड एज। अभी जस्ट मैंने आपको बताया अगर कोई भी लावा जो है या मैग्मा जो है 100 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा के एरिया में जम रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। तो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म जो कि 100 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा के एरिया में स्प्रेड है और तब इरोजन होगा ऊपर से उसके बाद हमको दिखाई देगा, तो वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए बैथोलिथ के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है बेटा, बैथोलिथ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, चलो अब ये ध्यान से क्वेश्चन देख के आंसर देना स्टार्ट करो। मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन का आंसर तुम लोग आसानी से दे सकते हो। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म कंपेयर्ड टू एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, मैंने इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव के बीच में डिफरेंस समझा दिया है ना, तो चलो बताओ इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव के कंपेरिजन में क्या होता है। कूल डाउन फास्टर, यानी इंट्रूसिव तेजी से ठंडा होता है एक्सट्रूसिव के मुकाबले। इंट्रूसिव के स्मॉल क्रिस्टल होते हैं एक्सट्रूसिव के मुकाबले। इंट्रूसिव को हम प्लूटोनिक के नाम से जानते हैं या फिर ओनली डिस्कॉर्डेंट होते हैं। चलो आंसर देना स्टार्ट करो, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म एक्सट्रूसिव के मुकाबले बेटा क्या होते हैं। चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए बेटा, कोई फायदा नहीं, एग्जाम होगा ही नहीं। बेटा ऐसे मायूस नहीं होते, बिल्कुल होगा एग्जाम, टेंशन मत लो। चलो आंसर देना स्टार्ट करो। तो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, सबसे पहले बताओ इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव में ठंडा जल्दी कौन सा होता है। चलो आंसर देना स्टार्ट करो, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। अरे कोई चीज़ ढकी हुई है तो वो ज़्यादा जल्दी से ठंडी होगी, और कोई चीज़ बाहर है एयर में है, एयर के कॉन्टैक्ट में है, जो वो ज़्यादा ठंडी होगी। तो जाहिर सी बात है बेटा इंट्रूसिव लैंडफॉर्म तेजी से कूल डाउन नहीं होता, ठीक है, तो ये कूल डाउन स्लोली ना कि फास्टर। तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि इंट्रूसिव लैंडफॉर्म धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है। अच्छा अब धीरे धीरे ठंडा होता है तो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म के लार्ज क्रिस्टल्स बनते हैं, ठीक है, तो दूसरा भी नहीं हो सकता। अच्छा ओनली डिस्कॉर्डेंट नहीं बेटा, ये कॉनकॉर्डेंट भी होता है, डिस्कॉर्डेंट जरूरी नहीं है। हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल पढ़े, सिल, डाइक, बैथोलिथ, लोकोलिथ, हमने पढ़ा ये सिर्फ डिस्कॉर्डेंट नहीं कॉनकॉर्डेंट भी हो सकता है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स जो हैं यूजली प्लूटोनिक होते हैं कंपेयर टू एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, डन। तो सी जितने स्टूडेंट ने आंसर दिया वो बिल्कुल सही आंसर दिया, ठीक है। फायर इन हार्ट, भाई तुम दिल जले हो ये बात मैं समझ रही हूं, लेकिन अब तुम यहां पर से ब्लॉक होने वाले हो, ठीक है। वैसे भी मूड अच्छा नहीं है मेरा, ब्लॉक कर दूंगी मैं पहले से, ध्यान रखो पढ़ना है तो पढ़ो नहीं तो चलो निकलो। मैम आपका कोर्स कहाँ से लेना है, निकित शर्मा। निकित बेटा अन अकेडमी प्लस में मेरा नया कोर्स स्टार्ट होते रहते हैं, 16 तारीख 16 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है, आप उससे पहले मेरा कोर्स ले सकते हो, ठीक है। 16 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है अन अकेडमी प्लस में, तो अगर आपको वहाँ पर परचेज करना है कोर्स तो आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, मैंने लिंक दे रखा है नए कोर्स का, ठीक है। अन अकेडमी में मेरा बैच आता रहता है, डन बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल कॉनकॉर्डेंट इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बिटवीन सेडिमेंट्री स्ट्राटा आर कॉल्ड एज। अगर कोई भी जो है हॉरिजॉन्टल यानी दो स्ट्राटा के बीच में, सेडिमेंट्री स्ट्राटा यानी लेयर्स के बीच में अगर हॉरिजॉन्टल इंट्रूसिव लैंडफॉर्म तुम्हें दिखाई दे रहा है तो आखिरकार उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है। सेल्स, बीड्स, फैन या डिजिट्स। तो अब तुम देखो पीछे यहां पर इमेज देखो, अब यहां पर तुम देख रहे हो स्ट्राटा के बीच में लावा जमा हुआ है,
दो स्ट्राटा के बीच में अगर हॉरिजॉन्टल लावा जम रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल इंट्रूसिव लैंडफॉर्म को आखिरकार हम क्या कहेंगे? चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। वो हमारे लिए सिल है, वो हमारे लिए बीट है, वो हमारे लिए फैंस है, या फिर वो हमारे लिए डिजिट्स है? तो यहाँ पर अगेन स्टूडेंट्स जो हैं सही आंसर दे रहे हैं। अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इट इज सिल, सिल इज द करेक्ट आंसर। यानी दो स्ट्राटा के बीच में अगर हॉरिजॉन्टल लावा जम रहा है तो याद रखिएगा वो हमारे लिए सिल्स कहलाएगा। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नहीं विश्वजीत, पूरा इकोनॉमिक्स में अनअकैडमी प्लस में पढ़ाती हूं, यहां पर फुल इकोनॉमिक्स नहीं, ठीक है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ फैकोलिथ इज अ, अच्छा फैकोलिथ किस शेप्ड का होता है? ब्लिस्टर शेप का होता है, सॉसर शेप्ड का होता है, लेंस शेप्ड का होता है, या टेबल के शेप का होता है? अगर एक फैकोलिथ की बात करते हैं, देखो फैकोलिथ मैंने आप लोगों को बताया था ना, अभी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं कि फैकोलिथ कैसा होता है। तो देखो कर्व के शेप में अगर लावा कर्व के टाइम पर जम रहा है या कर्व में जम रहा है तो वो हमारे लिए क्या है? फैकोलिथ है। तो फैकोलिथ हमेशा याद रखिएगा इट इज अ लेंस शेप्ड, ये हमेशा लैंडफॉर्म ऐसा होता है जिसका प्रकार लेंस की तरह होता है, ठीक है? अच्छा ब्लिस्टर शेप का क्या होता है? ब्लिस्टर मतलब छाला, पता है ना, जैसे कि पानी में जैसे कभी हाथ जल जाए तो हाथ के ऊपर तुम देखो ब्लिस्टर छाला जैसा पड़ जाता है, ऊपर से कर्व नीचे से फ्लैट। तो अभी मैंने आपको बताया था वो कौन सा इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है जो कि ऊपर से कर्व होगा और नीचे से फ्लैट होगा। ब्लिस्टर शेप क्या होता है? ब्लिस्टर शेप याद रखिएगा लैकोलिथ होता है। कभी पूछा जाए लैकोलिथ कैसा होता है? ब्लिस्टर शेप। सॉसर शेप्ड क्या होता है बेटा? ये होता है लोपोलिथ, ठीक है? फैकोलिथ हमेशा लेंस शेप होता है और टेबल शेप अगर पूछा जाए तो ये होता है बैथोलिथ। ये सारे लैंडफॉर्म्स है जो कि ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है? ये हाई लेवल का कंटेंट है, मुझे पता है कि जो बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे उनको तो वैसे भी नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो ध्यान से समझिएगा, मैंने ऑलरेडी इन सारे शब्द के मतलब क्लास के शुरू में ही समझा दिए थे ताकि आप आसानी से ये क्वेश्चंस कर सको। तो अब फैकोलिथ की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है लेंस शेप। पीछे जो इमेज लगी हुई है ये इमेज क्या है? ये इमेज फैकोलिथ की ही इमेज लगा रखी है, ठीक है? डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैथोलिथ इज मोस्टली मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक्स? बैथोलिथ यूजुअली किस तरीके के रॉक्स से बनते हैं? हाँ जी बेटा, चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए भाई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? पेमेंट कितना है पेड बैच का? बेटा आप अनअकैडमी की ऐप में जाके चेक कर सकते हो, पूरा सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ेगा। सिर्फ मेरी क्लास नहीं, अनअकैडमी के सारे एडुकेटर्स की क्लास मिलेगी, ठीक है? ओके, क्या बात हो गई यहाँ पर कमेंट सेक्शन में? क्या हो गया? कौन है प्रीतम, क्या बोल रहा है? ओके, चलो आंसर देना स्टार्ट करो। बैथोलिथ इज मोस्टली मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक? बैथोलिथ यूजुअली जो है किस तरीके की रॉक से बनते हैं? अब मुझे ये बताओ, अभी जस्ट मैंने आपको ये बताया था कि एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव में एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल दिया था और इंट्रूसिव का भी एग्जाम्पल दिया था ना। तो इंट्रूसिव बेटा मोस्टली क्या होते हैं याद रखिएगा? ये होते हैं मोस्टली ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जिससे जो है किचन के स्लैब्स वगैरह बनते हैं, तो इंट्रूसिव मोस्टली ग्रेनाइट होते हैं। एक्सट्रूसिव मोस्टली क्या होते हैं? बेसाल्ट होते हैं। अच्छा बैथोलिथ, बैथोलिथ मैंने आपको बताया था जब लावा जो है वो फ्लैट सरफेस पे जमेगा मोर देन 100 स्क्वायर किलोमीटर तो वो हमारे लिए बैथोलिथ होगा, और बैथोलिथ हमेशा क्या होगा? इंट्रूसिव। बैथोलिथ क्या है? इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है, और इंट्रूसिव मोस्टली किससे बनता है? ग्रेनाइट। तो ये हमारे लिए क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर, ग्रेनाइट इज द करेक्ट आंसर। अगर बेसाल्ट होता, एक्सट्रूसिव पूछा जाता, तो एक्सट्रूसिव जो है मोस्टली मेड होता है बेसाल्ट से। समझ में आया? अच्छा मार्बल की अगर हम बात करते हैं तो इट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब है कि जब हाई प्रेशर या हीट वगैरह के कारण जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेडिमेंट्री या फिर इग्नियस रॉक है वो अपने फॉर्म को चेंज करती है तो वो होती है मेटामॉर्फिक रॉक। तो मार्बल हमेशा याद रखिएगा
मेटामॉर्फिक रॉक है। और अगर सैंडस्टोन की बात करते हैं तो सैंडस्टोन से रेड फोर्ट बना हुआ है, और रेड फोर्ट में तुम देखते हो ना लेयर्स जैसी दिखती हैं, तो लेयर्स जैसी हमेशा जब भी दिखे रॉक्स में तो वो हमेशा सेडिमेंट्री रॉक होती है। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? तो सैंडस्टोन सेडिमेंट्री है, मार्बल जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है। बैथोलिथ यूजुअली कौन सी रॉक से बनता है? तो ग्रेनाइट। क्यों? क्योंकि ग्रेनाइट मोस्टली इंट्रूसिव होता है। और अगर बेजाल्ट की बात करते हैं तो बेजाल्ट मोस्टली एक्सट्रूसिव होता है। डन, समझ में आ गया अच्छी तरीके से? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हाँ जी बेटा, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ ताकि हमसे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ सके। अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करोगे तो यहाँ पर हमसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे। स्पैम करने से बचो, ब्लॉक हो जाओगे कमेंट सेक्शन से, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसेस कॉजेस वायलेंट एक्सप्लोजन इन, आपको बताना है वो कौन से गैसेस हैं जो कि वायलेंट एक्सप्लोजन करते हैं, ठीक है? या गैसेस जो कि वायलेंट एक्सप्लोजन करते हैं वो एसिडिक लावा होते हैं, बेसिक लावा होते हैं, न्यूट्रल होते हैं या एम्फोटेरिक लावा होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना पड़ेगा आप सबको कि एसिडिक और बेसिक के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर पहले एक बार डिफरेंस बता दूँ, आने वाले क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। एसिडिक और बेसिक लावा के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। एसिडिक लावा यूजुअली बेटा लाइट कलर का होता है, हल्के कलर का होता है। एसिडिक लावा क्या होता है? लाइट कलर का। और बेसिक लावा हमेशा डार्क कलर का होता है, ठीक है? एसिडिक लावा का जो मेन कंटेंट होता है या जो मेन चीज उसमें मौजूद होती है वो होती है सिलिका, और वहीं पर बेसिक में होता है फेरस यानी आयरन और मैग्नीशियम। आयरन और मैग्नीशियम मेन कंपोनेंट होता है बेसिक लावा का, और एसिडिक नेचर का जो भी लावा होता है उसका मेन कंपोनेंट होता है सिलिका। नेक्स्ट, एसिडिक जो लावा होता है बेटा वो विस्कस होता है, ठीक है? विस्कस यानी गाढ़ा होता है, ठीक है? और बेसिक लावा यूजुअली क्या होता है बेटा? फ्लूइड नेचर का होता है, ठीक है? अच्छा, एसिडिक लावा जो है वो हमेशा एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, ठीक है? बेसिक लावा हमेशा याद रखना ऊज आउट होकर आता है, ठीक है? ऊज आउट होकर यानी एक्सप्लोड कर बाहर नहीं लगता निकलता, वो ऊज होता है, ठीक है? धीरे से बाहर निकलता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं एसिडिक लावा, हमेशा जो है इसका जो वॉल्केनो का शेप होता है वो स्टीप या कोन शेप का बनता है, वहीं पर बेसिक लावा जो है डोम या फिर शील्ड शेप का बनता है, ठीक है? याद रखिएगा एसिडिक लावा हमेशा स्मॉल वॉल्केनोस में होते हैं, बेसिक जो है वो लार्ज वोल्केनोस में होते हैं। ये कुछ डिफरेंस है बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक लावा, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, एसिडिक जो होता है वो लाइट कलर का होता है, बेसिक जो है वो डार्क कलर का होता है। एसिडिक का मेन कंपोनेंट सिलिका होता है, बेसिक लावा का मेन कंपोनेंट फेरस एंड मैग्नीशियम होता है। एसिडिक लावा जो है वो विस्कस नेचर का होता है, वहीं पर बेसिक लावा जो है वो फ्लूइड होता है, विस्कस और एक वो फ्लूइड। एसिडिक लावा एक्सप्लोसिव होता है, एक्सप्लोड करके बाहर निकलता है, जैसे कि पीछे इमेज लगी है। बेसिक लावा जो है याद रखिएगा वो ऊज आउट होकर निकलता है। एसिडिक लावा जो है शेप कैसा बनाता है? स्टीप या कोन शेप बनाता है। बेसिक लावा जो है वो शील्ड या डोम शेप बनाता है, ठीक है? अब यहाँ देखो क्या लिखा है, गैसेस कॉजेस वायलेंट एक्सप्लोजन इन। वायलेंट एक्सप्लोजन किसमें होता है? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया वायलेंट एक्सप्लोजन, एक्सप्लोसिव नेचर हमेशा किसका होता है? एसिडिक लावा का होता है, ठीक है? डन। अब यहीं पर न्यूट्रल लावा यानी जिसका नेचर ना एसिडिक हो ना बेसिक हो, एम्फोटिक यानी इसमें एसिडिक भी हो और बेसिक भी हो, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को सही से समझ में आ गया तुम सबको? ओके, डन। तो एसिडिक लावा हमेशा याद रखिएगा एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, डन। अच्छा, एम्फोटिक लावा, इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, एसिडिक की भी होती है, बेसिक की भी होती है। न्यूट्रल लावा, इसमें ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंपेयर टू बेसिक लावा एसिडिक लावा इस, अभी बेसिक लावा को से कंपैरिजन करके एसिडिक लावा क्या दिखता है? हाँ जी, चार ऑप्शन, फॉर्म स्टीपर कोन्स ऑफ वॉल्केनो, इज लेस विस्कस इन फ्लूइड,
flows silently without eruption या has more iron content? बहुत easy question है. अभी acidic और basic के बीच में difference समझाया ना. अब अगर तुम compare करो acidic lava और basic lava को, तो acidic lava basic के मुकाबले क्या होता है? Answer देना start करिए. एसिडिक लावा बेसिक के मुकाबले क्या होता है? जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करिए. तो अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा, पहले तो एसिडिक लावा हमेशा क्या होता है, वो हमेशा जो है विस्कस नेचर का होता है. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एसिडिक लावा, तो इस एसिडिक जो होता है वो लेस विस्कस होता है, विस्कस इन फ्लूइडिटी होता है. ये बिल्कुल एसिडिक लावा जो है, याद रखिएगा, विस्कस होता है, यानी ये मोर विस्कस होता है. ठीक है, कंपेयर टू बेसिक लावा. ये फ्लो साइलेंटली नहीं करता, याद रखिएगा, एक्सप्लोसिव होता है. एसिडिक लावा एक्सप्लोड करके फ्लो होता है ना. मैंने आपको बताया था कि एसिडिक लावा एक तो विस्कस नेचर का होता है, लेस नहीं बल्कि इट इज मोर विस्कस, विस्कस नेचर का होता है. नेक्स्ट, ये एक्सप्लोड होकर बाहर आता है. ठीक है, एक्सप्लोजन होता है, तो साइलेंटली फ्लो नहीं होगा, सी नहीं हो सकता. इसमें मोर आयरन कंटेंट नहीं होता, याद रखिएगा, एसिडिक लावा में ज्यादा होता है सिलिका कंटेंट. ठीक है, तो तीनों गलत हो गए. और याद रखिएगा, एसिडिक लावा स्टीपर कोन्स बनाता है वोल्केनोस का, तो ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. तो क्या हो गया, एसिडिक लावा स्टीपर कोन्स बनाता है बेसिक के मुकाबले, क्योंकि बेसिक जो है वो डोम या शील्ड शेप बनाता है. एसिडिक लावा जो है वो विस्कस होता है कंपैरेटिव टू बेसिक लावा, क्योंकि बेसिक लावा जो है वो क्या होता है, फ्लूइड नेचर का होता है. ठीक है, थर्ड, एसिडिक लावा जो है एक्सप्लोड करके बाहर आता है, बेसिक लावा जो है वो ऊज आउट करके बाहर आता है. ठीक है, अब डी अगर हम बात करते हैं, तो एसिडिक लावा जो है उसमें ज़्यादा सिलिका कंटेंट होता है, और बेसिक लावा उसमें, याद रखिएगा, उसमें क्या होता है, उसमें फेरस और मैग्नीशियम होता है. ठीक है, डन. इतना समझ में आ गया, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अगर तुमने एसिडिक और बेसिक के बीच में डिफरेंस सही से समझा होगा. अब अगर तुमको मैं दोनों पे इमेज दिखाऊं, तो यहाँ पर देखो कंपैरिजन के लिए मैंने दो इमेज लगा रखी हैं. तो अगर तुम इधर ये इमेज देखोगे, तो ये देखोगे तुम ऊज आउट होकर बाहर निकलना है, और ये देखो एक्सप्लोसिव नेचर हो रहा है. तो जो एक्सप्लोसिव है, यानी ये हमारे लिए क्या है, एक्सप्लोड होकर बाहर निकलना, एक्सप्लोसिव नेचर का है, तो ये क्या है बेटा, एसिडिक. और अगर ऊज आउट होकर बाहर निकलना है, तो ये हमारे लिए क्या है, बेसिक. ठीक है, कंपैरिजन तुमको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, इमेज देखकर अब तुम अंदाजा लगा सकते हो कौन सा एसिडिक लावा है और कौन सा बेसिक लावा है. डन, इतना तक समझ में आया, यस और नो? डन बेटा. भाई वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ, ताकि हम यहाँ पर से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ सके. भाई आज की क्लास जो है कम ही बच्चों को समझ में आने वाली क्लास है, तो कोशिश करो कि वही बच्चे क्लास में पढ़ो जिनको एक्चुअली पढ़ना है. ओके डन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, शील्ड और डोम शेप्ड वॉल्केनोस आर, आपको बताना शील्ड और डोम्ड शेप्ड वॉल्केनो कौन से होते हैं. सबसे पहले तो ये बताओ, शील्ड और डोम शेप्ड वॉल्केनो एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं? अभी जस्ट मैंने बताया, शील्ड या डोम्ड शेप वॉल्केनो हमेशा क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, यस और नो? ठीक है, तो अब शील्ड और डोम शेप वॉल्केनो क्या होते हैं? मच स्मॉलर इन साइज देन कोन शेप्ड, मेड ऑफ लेस विस्कस लावा फ्लो, यूजुअली डिवाइड ऑफ लावा प्लक्स या रिलीज पाइरोक्लास्ट मोर ऑफन. चलो आंसर देना स्टार्ट करो. अभी जस्ट मैंने आपको ये बताया कि शील्ड और डोम शेप्ड वॉल्केनो क्या होते हैं. तो शील्ड और डोम्ड शेप्ड जो वॉल्केनो होते हैं वो हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं, और जो बेसिक नेचर के वॉल्केनोज होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं, याद रखिएगा, वो यूजुअली जो है क्या होते हैं, वो फ्लूइड नेचर के होते हैं. यानी बेसिक है, तो बेसिक की प्रॉपर्टीज में लिख देती हूँ, बेसिक जो है वो डार्क कलर के होते हैं. डार्क कलर के साथ साथ ये क्या होते हैं, इसमें फेरस और मैग्नीशियम का मेन कंटेंट होता है. ये जो है फ्लूइड नेचर के होते हैं,
ठीक है, फ्लूइड के साथ साथ ये ऊज आउट करके बाहर निकलते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, लार्ज वोल्केनो से बिलोंग करते हैं या लार्ज वोल्केनो ऐसे होते हैं जो कि बेसिक लावा निकालते हैं, ठीक है। तो मच स्मॉलर इन साइज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर शील्ड और डोम शेप की बात करें तो वो बेसिक है और बेसिक लार्ज वोल्केनो होता है, तो ये क्या होगा, लार्ज इन साइज होगा, ठीक है। मेड ऑफ लेस विस्कस लावा फ्लो, बिल्कुल सही कहा, ये फ्लूइड नेचर के है ना, तो यहां पर लेस विस्कस होगा क्योंकि एसिडिक इज विस्कस, एसिडिक क्या होता है, विस्कस है, और बेसिक जो है वो लेस विस्कस होता है, ठीक है। तो बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन सही से समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन सिंपल है, अगर एसिडिक और बेसिक के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया तो आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। तो याद रखिएगा, शील्ड एंड डोम शेप, सबसे पहले दिमाग लगाओ, एसिडिक में होता है या बेसिक में, बेसिक में होता है, बेसिक में जो लावा होता है वो फ्लूइड होता है, फ्लूइड मतलब लेस विस्कस, कम गाढ़ा होता है, ठीक है, और वहीं पर बेस एसिडिक में गाढ़ा होता है, और गाढ़ा होता है तभी वो ऊज आउट करके बाहर निकलता है, ये जो है थोड़ा सा फ्लोई नेचर का होता है, यानी लेस विस्कस, कम गाढ़ा होता है। डन, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से बढ़े, ओके चलो। अब वोल्केनो दैट इज नॉट नोन टू इरप्ट इन रीसेंट टाइम्स बट शोन अ साइन ऑफ पॉसिबल इरप्शन इन फ्यूचर आर, वो वोल्केनो कौन सा है जो कि रीसेंट टाइम पे इरप्ट नहीं हुआ है, लेकिन वो ऐसे साइंस शो करता है कि वो आगे फ्यूचर में इरप्ट होगा, वो कौन सा वोल्केनो है इनमें से, एक्टिव, पैसिव, डोरमेंट या एक्सटिंक्ट वोल्केनो, वो कौन से वोल्केनो होते हैं बेटा जो कि अभी रीसेंट टाइम में इरप्शन का साइन तो नहीं शो करते, लेकिन वो नियर फ्यूचर यानी आने वाले फ्यूचर में साइंस जरूर शो करेंगे, किसका, वो साइंस जरूर शो करेंगे फटने का, इरप्ट होने का। तो याद करिएगा, ऐसे वोल्केनोस को हम कहते हैं डोरमेंट वोल्केनोस, ठीक है। डोरमेंट वोल्केनोस का एग्जांपल है जैसे कि नारकोंडम, नारकोंडम अंडमान में जो है ना, ये है आपके लिए कौन सा वोल्केनो, ये है आपके लिए डोरमेंट वोल्केनो। अच्छा, एक्टिव वोल्केनोस यानी जो फटते रहते हैं, जैसे कि बैरन आइलैंड में एक्टिव वोल्केनोस हैं जो कि जो है इरप्ट होते ही रहते हैं, ठीक है। पैसिव वोल्केनो, ऐसा कोई टर्म ही नहीं होता। एक्सटिंक्ट वोल्केनो यानी जो कभी पहले वोल्केनो इरप्ट हुआ करते थे, अब जो हैं ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। भिवानी हरियाणा में जो दोसी और तोशाम है वो हमारे लिए एक्सटिंक्ट वोल्केनो होता है। समझ में आ गया अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर। तो टाइप्स ऑफ वोल्केनो हैं, मैम कुड यू अपलोड ऑल द वीडियोस ऑफ इकोनॉमिक्स, नहीं बेटा फिरदौस, मैं एक अभी इकोनॉमिक्स का लेक्चर लेने वाली हूँ अगले हफ्ते, लेकिन सारे लेक्चर्स एक्चुअली मैं अपलोड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स में पढ़ाती हूँ अनअकैडमी प्लस में, तो इनकेस अगर आपको पढ़ना है तो आप अनअकैडमी प्लस में मुझसे पढ़ सकते हो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होलो डिप्रेशन इन क्रस्ट दैट फॉर्म्स आफ्टर एम्प्टिंग ऑफ अंडरलाइंग मैग्मा एंड गैसेस इज कॉल्ड एज, देखो पीछे इमेज देखो, जब लावा और मैग्मा जो है पूरा वोल्केनो से बाहर आ जाता है, तो आखिरी में जो ना ये होलो शेप का पीछे अपने पीछे आकार छोड़ जाता है, जो कि यूजुअली लेक में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर पीछे देख रहे हो तो ये होलो शेप का आकार छोड़ गया, यहाँ पर यूजुअली पानी भर जाता है तो लेक बन जाता है। तो ये कैसे आकार बनता है, ये तब बनता है जब पूरा का पूरा जो है मैग्मा और गैस पूरा बाहर निकल आता है। तो इस होलो शेप का डिप्रेशन जो क्रस्ट में बनता है उसे हम क्या कहते हैं। अब चार ऑप्शन है, उसे हम क्रेटर कहते हैं, उसे हम सिंडर कहते हैं, उसे हम कॉन्डुइट कहते हैं, या फिर उसे हम कैल्डेरा कहते हैं। चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए, हाँ जी चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। वो जो होलो डिप्रेशन है क्रस्ट में, जब पूरा मैग्मा और गैसेस जो हैं वो खाली हो जाते हैं, तो आपको बताना है उस एम्प्टी या होलो डिप्रेशन जो क्रस्ट में बना पीछे, उसे आखिरकार हम क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करो। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो उसे हम कैल्ड्रा कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कैल्ड्रा, जो पीछे लेक में यूजुअली कन्वर्ट हो जाता है वो हमेशा कैल्ड्रा कहलाता है, ठीक है। अच्छा, कॉन्डुइट याद रखिएगा, लावा पाइप होता है, लावा पाइप यानी अरे वोल्केनो होता है,
वॉल्केनो से जो है लावा जो है पाइप के थ्रू आता है और फट के बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो लावा पाइप है जो वॉल्केनो के अंदर होता है उसे हम कॉन्डुइट कहते हैं, ठीक है। अच्छा सिंडर क्या होता है? सिंडर बेटा वो रॉक्स होते हैं जो कि लिक्विड लावा के साथ एक्सप्लोजन के टाइम बाहर आते हैं। भाई एक्सप्लोड होता है तो लावा तो आता है लेकिन कुछ छोटी छोटी रॉक्स भी आती हैं जिसे हम सिंडर कहते हैं। और क्रेटर की अगर हम बात करते हैं तो क्रेटर जो है वो मीटियोर जब हिट करता है तो उसके बाद जो साइन लेफ्ट होता है उसे हम क्रेटर कहते हैं यूजुअली, लेकिन वॉल्केनोस के टर्म में क्रेटर इज द माउथ ऑफ वॉल्केनो, ठीक है। क्रेटर वॉल्केनो के माउथ को कहते हैं, ऐसे क्रेटर वो दाग को कहते हैं या वो साइन को कहते हैं जो कि मीटियोर हिट करने के बाद छोड़ जाता है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन हमको पता है, माउथ वॉल्केनो का माउथ है तो क्रेटर है, ठीक है। सिंडर वो रॉक्स होती हैं जो कि लावा के साथ बाहर आती हैं। कॉन्डुइट वो जो लावा पाइप है, यानी वॉल्केनो के अंदर जो लावा पाइप के थ्रू बाहर इरप्ट हो रहा है तो वो पाइप जो वॉल्केनो के अंदर है दैट इज नोन एज द कॉन्डुइट। और कैल्ड्रा जब पूरा गैसेस और मैग्मा जो है पूरा बाहर आ जाता है तो पीछे क्रस्ट में एक हॉलो डिप्रेशन छोड़ जाता है जो कि यूजुअली जहां पर पानी भर जाता है बाद में लेक में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम कैल्ड्रा कहते हैं। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो ये तो इमेज दिखा दी थी मैंने। अ लावा टंग इज अ, एक लावा टंग आखिरकार क्या है? एक लावा टंग आखिरकार होता क्या है? मैम कितना प्राइस है? ओनली इकोनॉमिक्स का। विनय बेटा सिर्फ इकोनॉमिक्स का नहीं मिलता है कोर्स, एक्चुअली यहाँ पर आपको पूरा का पूरा अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ता है, सिंगल सब्जेक्ट नहीं है। ओके, अ लावा टंग इज अ, आखिरकार लावा टंग बेटा क्या है? एक साइड एक्सप्लोजन ऑफ लावा है थ्रू पैरासाइटिक वॉल्केनोस, अ स्लो मूविंग लावा यूजुअली कन्फाइंड इन अ वैली, अ क्रैक इन द क्रेटर, या अ मैन हु स्पीक टू मच एंड हार्शली। लावा टंग का मतलब क्या होता है? चलो आंसर देना स्टार्ट करो। व्हाट इज अ लावा टंग? लावा टंग का मतलब आखिरकार क्या होता है? तो लावा टंग जो पीछे तुम इमेज देखोगे तो समझ में आ जाएगा, लावा फ्लो हो रहा है। जब फ्लो होता है ना तो इस तरीके का शेप फॉर्म हो जाता है। तो ये जो पीछे शेप फॉर्म हो रहा है ना बेटा, ये जो पीछे शेप फॉर्म हो रहा है इसे हम कहते हैं लावा टंग। तो लावा टंग एक्चुअली क्या है? स्लो मूविंग लावा है, गाढ़ा गाढ़ा लावा, स्लो मूविंग लावा मूव कर रहा है, ठीक है, जो यूजुअली वैली में कन्फाइंड हो जाता है उसे हम लावा टंग कहते हैं। जैसे कि पीछे इमेज देखकर तुम्हें समझ में आ रहा है, इट इज अ लावा टंग। ये क्या है? एक लावा टंग कहलाता है, ठीक है। ओके, 13th क्वेश्चन, डस्ट और ऐश फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शन फॉलिंग डाउन इज कॉल्ड एज। भाई डस्ट या ऐश जो कि वॉल्केनिक इरप्शन के समय पर फॉल डाउन होती है उसे हम क्या कहते हैं? फॉल आउट, फॉल इन, ब्लैक स्नो, या फिर विभूति। अब पीछे देखो, एक कार है, इसके ऊपर जो है वॉल्केनो की डस्ट जम गई है। जब वॉल्केनो फटता है तो डस्ट और एशेस बाहर आती हैं और जो धीरे धीरे करके सेटल डाउन होती हैं। तो वॉल्केनिक इरप्शन के समय पर जब डस्ट और एशेस सेट डाउन होती है, फॉल डाउन करती हैं, तो आखिरकार इसे हम किस नाम से जानते हैं? ये फॉल आउट है, फॉल इन है, ब्लैक स्नो है, या फिर विभूति है? चलो आंसर देना स्टार्ट करो। हाँ जी बेटा, तो इसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक स्नो। अभिनवा भट्टाचार्य ने बिल्कुल सही कहा, इट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज ब्लैक स्नो। ब्लैक स्नो इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, ज्यादातर बच्चे यहां पर बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। अच्छा फॉल आउट क्या होता है? यूजुअली ये न्यूक्लियर फॉल आउट होता है। न्यूक्लियर यानी जो रेडियो एक्टिव या हार्मफुल होता है, जो कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद जो है धीरे धीरे करके रेडिएशन जो है एटमोसफेयर में सेटल डाउन होता है, फॉल करता है, उसे हम फॉल आउट कहते हैं। फॉल इन जो है वो मिलिट्री फॉर्मेशन के लिए, जब लाइन में लगने के लिए मिलिट्री फॉर्मेशन कहा जाता है तो उसे हम फॉल इन कहते हैं। विभूति एक तरीके की ऐश है जो कि हिंदूज के द्वारा यूज करी जाती है अपने फोरहेड में लगाने पर, या कभी कभी उसे वो खाते भी हैं, तो दैट इज नोन एज विभूति, ठीक है। तो ये ऐश है, ठीक है, ये ब्लैक स्नो इस क्वेश्चन का आंसर है। फॉल इन और फॉल आउट ये अलग अलग चीजें, ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट मैंने इमेज यहां पर आपको दिखा दी थी। नेक्स्ट हम 14th क्वेश्चन की बात करते हैं।
The fragmented rocks that fall after a violent explosion from volcanoes are collectively called as. भाई जो fragmented rocks होती हैं जो कि एक violent explosion के बाद बाहर आती हैं volcanoes से, उसे collectively आखिरकार क्या कहते हैं? Pyroclast कहते हैं, osteoclast कहते हैं, biblioclast कहते हैं या mythoclast कहते हैं? चलो आंसर देना स्टार्ट करो. हाँ जी, यूनुस मीर, वालेकुम अस्सलाम बेटा. आप अगर मेरा कोर्स खरीदना चाहते हो तो तुम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, मेरा अपकमिंग कोर्स का लिंक दिया है. 15 मार्च से स्टार्ट हो रहा है बैच, उससे पहले आप कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, या बाय कर सकते हो. चलो आंसर देना स्टार्ट करो. द फ्रैगमेंट रॉक दैट फॉल्स आफ्टर अ वायलेंट एक्सप्लोजन. चलो आंसर देना स्टार्ट करो. ओके, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, या अभिनवा भट्टाचार्य फिर से सही आंसर दे रहे हैं. पाइरोक्लास्ट इज द करेक्ट आंसर. पाइरो मींस क्या होता है? वेरी वेरी हॉट. पाइरो शब्द का मतलब या पाइरो वर्ड हमेशा किसके लिए इस्तेमाल होता है? जब बहुत गर्म चीज हो, पाइरो यानी वेरी वेरी हॉट, ठीक है. तो पाइरोक्लास्ट जो है वो क्या होता है? सिंडर्स. सिंडर्स जो है यानी वो जो रॉक्स बाहर आती हैं, सिंडर्स के अलावा कुछ और मटेरियल्स, अदर मटेरियल्स जो एक्सप्लोसिव वॉल्केनो से बाहर आते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है? पाइरोक्लास्ट है, ठीक है. ओके, ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है? ये सेल्स होती हैं बोन्स की, ठीक है, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये बायो से रिलेटेड है. बिब्लियोक्लास्ट, ये क्लास, ये वो लोग होते हैं जो कि बुक्स को बर्न करते हैं, स्पेशली रिलीजियस बुक्स को बर्न करते हैं. मैथोक्लास्ट यानी वो ह्यूमंस जो कि फॉल्स मिथ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उन्हें हम मैथोक्लास्ट कहते हैं. डन. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पाइरोक्लास्ट. ए इज द करेक्ट आंसर. डन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो, सिंडर इज अ, सिंडर आखिरकार क्या है? एक स्मॉल ओपनिंग्स वोल्केनो के साइड में, लार्ज मेन क्रेटर ऑफ अ एक्सटिंक्ट वोल्केनो, द एन एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक एस पाइरोक्लास्ट, या हॉलो ट्यूब फ्रॉम मैग्मा टू द ओपनिंग ऑफ माउथ. चलो आंसर देना स्टार्ट करो. भाई सिंडर आखिरकार क्या होता है? चलो आंसर देना स्टार्ट करो. सिंडर आखिरकार क्या होता है? चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए. व्हाट इज अ सिंडर बेटा? सिंडर आखिरकार क्या होता है? देखो, पहले एक स्मॉल ओपनिंग वॉल्केनो के साइड में, देखो वॉल्केनो का एक तो माउथ के साथ, या माउथ को हम क्रेटर कहते हैं ना, माउथ से बाहर आता है लावा, लेकिन उसके अलावा कभी कभी वॉल्केनो के साइड से स्मॉल ओपनिंग्स हो जाती हैं जिससे लावा बाहर आता है. उन स्मॉल ओपनिंग्स को हम कहते हैं, या स्मॉल ओपनिंग्स उसे हम कहते हैं पैरासाइटिक वॉल्केनोस, या पैरासाइटिक, ठीक है. अच्छा, लार्ज मेन क्रेटर्स ऑफ एन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, नहीं. एन एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक एस पाइरोक्लास्ट, सिंडर जो है रॉक्स होती है, जैसा कि पीछे पता है, एक्सट्रूसिव रॉक्स होती है. एक्सट्रूसिव यानी क्रस्ट के बाहर आ रही है, लावा के साथ, क्रस्ट के बाहर, लावा के साथ जब कुछ इग्नियस रॉक्स भी बाहर आती हैं तो उसे हम सिंडर्स कहते हैं, ठीक है. और होलो ट्यूब फ्रॉम मैग्मा टू द ओपनिंग ऑफ द वॉल्केनो, ओपनिंग ऑफ द वॉल्केनो को अभी हमने बताया क्या कहते हैं, ठीक है, क्रेटर कहते हैं. होलो ट्यूब जो कि मैग्मा का होता है, उसे हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था, वो कॉन्डुइट कहलाता है. ये क्या होता है? कॉन्डुइट. तो सिंडर क्या होता है? सिंडर जो है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, जैसे कि पाइरोक्लास्ट है, जो कि लावा के साथ बाहर आती है, ठीक है. डन, समझ में आया? परफेक्ट. सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, चलो, तो यहां तक समझ में आया अच्छी तरीके से आपको. मैंने आज 15th क्वेश्चन करवा दिया. आई थिंक जो है अभी 16, 17, 18, 19, 20 कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, 10 क्वेश्चन और बचे हैं. तो 10 क्वेश्चन अभी करवा दूं या फिर थर्ड पार्ट में कंटिन्यू करूं? हाँ जी बेटा, थर्ड पार्ट में कंटिन्यू करूं या फिर अभी करवा दूं? मैम, आपने ज्योग्राफी भी पढ़ाया क्या? नहीं बेटा, ये वॉल्केनो की पहली क्लास है जो कि इस चैप्टर में पढ़ा रही हूँ, ठीक है.
ओके चलो आगे नेक्स्ट कर ही लेते हैं क्वेश्चंस, दूसरी वीडियो बना के क्या फायदा, इसी में क्वेश्चन कर लेते हैं। स्मॉल वॉल्केनिक ओपनिंग इन द वॉल्केनिक माउंटेन अदर देन द मेन क्रेटर आर कॉल्ड एज, अभी जस्ट मैंने आपको पीछे ही बताया, ए अ स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ द वॉल्केनो, जिसे हम क्या कहते हैं पैरासाइटिक वॉल्केनो, यही क्वेश्चन पूछा गया है। स्मॉल वॉल्केनिक ओपनिंग जो है वॉल्केनिक माउंटेन की अदर देन मेन क्रेटर, मेन जो क्रेटर के अलावा जो स्मॉल ओपनिंग है वॉल्केनिक माउंटेन की, उसको आखिरकार हम क्या कहते हैं, तो उसे हम पैरासाइटिक वॉल्केनोस कहते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर, डन, यस ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माउंटेन इज कॉल्ड एज द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन, इसमें से कौन सा वॉल्केनो जो है वो लाइट हाउस कहलाता है मेडिटेरेनियन का, माउंट एटना, माउंट वेस्यूवियस, माउंट चिम्बोराजो या फिर माउंट स्ट्रोम्बोली, इन चारों में से मेडिटेरेनियन का लाइट हाउस, मेडिटेरेनियन का लाइट हाउस क्यों कहलाता है, क्योंकि ये फटता ही रहता है, और फटता रहता है तो इसमें रोशनी होती रहती है, रोशनी होती रहती है तो इसमें लाइट हाउस की तरह काम करता है, तो इसीलिए इसे मेडिटेरेनियन का लाइट हाउस कहा जाता है। तो कौन सा वॉल्केनो है जिसे मेडिटेरेनियन का लाइट हाउस कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसे माउंट स्ट्रोम्बोले कहते हैं जो कि इटली में है, ठीक है। चिम्बोराजो जो है ये कहाँ पर है, ये इक्वाडोर में है, ठीक है। वेसुवियस कहाँ है और माउंट एटना कहाँ है, ये दोनों भी इटली में है, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन का लाइट हाउस कौन सा कहलाता है, स्ट्रोम्बोली कहलाता है, क्योंकि ये परमानेंट फटता रहता है और इसकी वजह से रोशनी होती है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच इज द मोस्ट फेमस वोल्केनिक माउंटेन ऑफ जापान फॉर इट्स सिमेट्रिकल फॉर्मेशन, सिमेट्रिकल फॉर्मेशन के लिए, यानी जैसा लेफ्ट से है वैसे ही खूबसूरत सा राइट से है, तो जो सिमेट्रिकल फॉर्मेशन के लिए कौन सा वोल्केनिक माउंटेन जापान में बहुत फेमस है, चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देना स्टार्ट करो। पहला है माउंट पोपोकैटेपेटल या माउंट पोपोकैटेपेटल, ठीक है। ओके माउंट फ्यूजी, माउंट क्रैकाटाओ या माउंट मेयोन, ठीक है। तो जापान का वो कौन सा फेमस वॉल्केनो है, वॉल्केनिक माउंटेन है जो कि सिमेट्रिकल होता है, तो ऑफकोर्स इसका करेक्ट आंसर है माउंट फ्यूजी, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके ये कहाँ पर है, ये मैक्सिको में है, याद रखिएगा, और ये एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है, डन। अच्छा अगर हम बात करते हैं क्रैकाटाओ, ये कहाँ पर है, इंडोनेशिया में, बहुत ही डेडली जो है माना जाता है ये वॉल्केनो, ये भी एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है, सॉरी ये एक्टिव है, नहीं ये एक्टिव नहीं है, ठीक है। माउंट फ्यूजी जो है ये एक्टिव है, माउंट फ्यूजी एक्टिव है, माउंट मेयोन जो है ये फिलीपींस में है, ठीक है, ये भी एक्टिव है फिलहाल, ये भी एक्टिव है, डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्टिव वॉल्केनोस अराउंड द वर्ल्ड आर एस्टिमेटेड टू बी अराउंड, भाई कितने एक्टिव वॉल्केनोस हैं पूरे विश्व में अभी, चलो आंसर देना स्टार्ट करो, कितने एक्टिव वॉल्केनोस हैं पूरे विश्व में, 5, 50, 500 या 5000, लगभग कितने एक्टिव वॉल्केनोस हैं भाई, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ ताकि हमसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ सकें। ओके तो एक्टिव वॉल्केनोस पूरे विश्व में आखिरकार कितने हैं, लगभग 500 एक्टिव वॉल्केनोस हैं पूरे विश्व में, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम्स अंडर द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की इमेज देखो ये है आपके लिए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, याद रखिएगा, जहां पर एक्टिव वॉल्केनोस हैं, ठीक है। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, जापान, पपुआ न्यू गिनिया, नॉर्वे या न्यूजीलैंड। अब तुम देख सकते हो आराम से कि भाई एक्टिव वॉल्केनोस कहाँ कहाँ हैं, यानी अब अगर तुम देख रहे हो नॉर्वे तो यहाँ है, सॉरी नॉर्वे तो हमारे लिए यहाँ है, और ये है आपके लिए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जहां पर एक्टिव वॉल्केनोस हैं, तो ऑफकोर्स इसका करेक्ट आंसर क्या है, नॉर्वे के अंदर नहीं आता, जापान आता है, ये आता है, न्यूजीलैंड आता है, बट नॉट नॉर्वे, ठीक है। तो नॉर्वे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, डन।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स इन एफ्रो यूरेशिया इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड ओवर, भाई एफ्रो यूरेशिया पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्केनिक माउंटेन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर नहीं पाया जाता, एल्प्स माउंटेन रेंज में, एल्प्स इन इटली में, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में, या फिर टर्की और कॉस्कसस में, इन चारों में से आपको ये बताना है कहाँ पर एक्टिव वॉल्केनोस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पाया जाता है। तो पीछे देखो, इमेज देखो यहाँ पर, अब अगर तुम देख रहे हो कहाँ कहाँ एक्टिव वॉल्केनोस है, मैंने सब जगह पर ये देखो यहाँ पर लगा हुआ है साइंस के, यहाँ पर एक्टिव वॉल्केनो है। तो एक्टिव वॉल्केनो कहाँ नहीं दिख रहे, यहाँ बिल्कुल नहीं दिख रहे एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है। एफ्रो यूरेशिया का कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पर एक्टिव वॉल्केनोस तुम्हें नहीं दिख रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एटलस माउंटेन रेंज, यहां पर तुम्हें एक्टिव वॉल्केनोस नहीं मिलते हैं, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गीजर्स एंड स्प्रिंग, गीजर्स एंड स्प्रिंग के रिगार्डिंग जो है आपको करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है। तो अब गीजर और स्प्रिंग्स आपको पता होना चाहिए होता क्या है। तो सबसे पहले यहां पर देखो ध्यान से क्या लिखा है, स्प्रिंग्स इरप्ट सुपर हीटेड वाटर अबव बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से भी ऊपर सुपर हीटेड वाटर स्प्रिंग से इरप्ट होता है। येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है वो हॉट स्प्रिंग के लिए क्या है, एक पॉइंट है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है। गीजर्स जो है आइसलैंड में होते हैं, या फिर वाटर इज थ्रोन अपवर्ड मेनी फीट इन हॉट स्प्रिंग, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होती है। तो याद रखिएगा करेक्ट स्टेटमेंट है इसकी सी, गीजर्स जो है वो आइसलैंड में काफी पाए जाते हैं, याद रखना। स्प्रिंग इरप्ट सुपर हीटेड वाटर नहीं, स्प्रिंग की जगह होता है गीजर, गीजर्स बेटा हमेशा याद रखिएगा सुपर हीटेड वाटर जो है इरप्ट करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो गीजर स्प्रिंग की जगह क्या होगा, गीजर, गीजर्स हमेशा सुपर हीटेड वाटर इरप्ट करते हैं बॉइलिंग वाटर या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से भी ज्यादा। नेक्स्ट, येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है ये हॉट स्प्रिंग के लिए नहीं होता, ये गीजर्स के लिए फेमस है, ठीक है, गीजर्स के लिए येलो नेशनल पार्क जो है वो फेमस है। गीजर्स जो है आइसलैंड में काफी ज्यादा पाए जाते हैं, बिल्कुल सही कहा। वाटर इज थ्रोन अपवर्ड मेनी फीट इन हॉट स्प्रिंग, नहीं, गीजर्स में वाटर जो है तेजी से ऊपर फेंका जाता है, ठीक है। तो अब तीनों स्टेटमेंट, चारों स्टेटमेंट सही हो गई, जहां जहां स्प्रिंग लिखा था एक्चुअली वहां वहां गीजर्स आएगा, डन। ओके, यहां तक किसी का कोई खास कमेंट, आई थिंक यहां तक समझ में आ रहा है क्या पढ़ा रही हूं मैं, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। भाई वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ ताकि हमसे यहां पर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो जुड़ते रहें, ठीक है। बस अब क्वेश्चन खत्म ही होने वाले हैं, ठीक है। लार्ज ओशन वेव्स ड्यू टू अंडर वाटर अर्थक्वेक आर कॉल्ड एज सुनामीज, दिस वर्ड इज अडॉप्टेड फ्रॉम रिच लैंग्वेज, इजी क्वेश्चन है। जो लार्ज ओशन वेव्स होते हैं ना अर्थक्वेक में, या मतलब जब अंडर वाटर अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से लार्ज ओशन वेव्स क्रिएट होते हैं जिसे हम सुनामीज कहते हैं। सुनामी जो है वो कौन से लैंग्वेज से अडॉप्ट किया गया, चाइनीज, जापानीज, कोरियन या वियतनामीज, चलो आंसर देना स्टार्ट करो। हाँ जी, आंसर देना स्टार्ट करो भाई, ये सुनामी वर्ड आखिरकार कौन सी लैंग्वेज से अडॉप्ट किया गया है। जो अंडर वाटर अर्थक्वेक आने से लार्ज ओशन वेव्स क्रिएट होती है जिसे हम सुनामीज कहते हैं, सुनामीज इज अडॉप्टेड फ्रॉम द जापानीज वर्ड, किससे अडॉप्ट किया गया है, जापानीज वर्ड से अडॉप्ट किया गया है, डन। चलो लास्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इनकरेक्ट रिगार्डिंग अर्थक्वेक, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अर्थक्वेक के रिगार्डिंग, एपिसेंटर इज अबव हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर एंड फोकस इज द सेम पॉइंट, मेडिटेरियन हिमालयस बेल्ट इज वेरी प्रोन टू अर्थक्वेक्स, या इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड वेयर लिटमस पेपर, भाई रॉन्ग स्टेटमेंट पहचानो। अब पीछे तुम इमेज देखो, ये है एपिसेंटर, ध्यान से देखो, ये है एपिसेंटर, ये है फोकस, तो एपिसेंटर इज जस्ट अबव द फोकस, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो गई कि एपिसेंटर जो है वो फोकस के अबव होती है और फोकस और एपिसेंटर सेम होता है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। मेडिटेरेनियन हिमालयन बेल्ट जो है वो अर्थक्वेक के बहुत ज्यादा प्रोन होता है, सही है, लेकिन डी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ये हमारे लिए रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्यों, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक के लिए लिटमस पेपर नहीं आता, लिटमस टेस्ट होता है एसिडिक या बेसिक समझने के लिए, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है रिचर स्केल से,
इसको किससे मेजर किया जाता है? रिचर स्केल में मेजर किया जाता है, फ्रॉम 1 to 10। समझ में आ गया? तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आप सबको पसंद आई होगी, ठीक है? तो डी इज द करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट क्या है? डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? तो आज की क्लास समझ में आई अच्छी तरीके से? ओके, तो अब एक बार मैं तुम सबको इकोनॉमिक्स के कोर्स के बारे में बता दूं। जैसा कि तुम सारे के सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे हो, मैम इकोनॉमिक्स का कोर्स कब से स्टार्ट होगा? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 29th of March। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखोगे, यहां पर देखो तुम इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये देखो वीडियो चल रही है। अब यहां पर देखो मैंने आपको अपकमिंग बैचेस के लिंक दिए हैं, यहां पर क्लिक करोगे तो तुमको ना साइट में पहुंचाया जाएगा, ठीक है? अब जब तुमको यहां पर साइट में पहुंचा दिया जाएगा तो मेरा ये जो है प्रैक्टिस कोर्स ये अभी लोड नहीं हो रहा, ये अब स्टार्ट हो चुका है। यहां पर क्योंकि मेरा तो सब्सक्रिप्शन है, तो अब तुमको यहां साइड में मेरे बैक में गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है? तुम एक बार सब्सक्रिप्शन ले रहे हो ना तो आपको मेरे सारे अपकमिंग बैचेस मिलेंगे, ठीक है? तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ 12 या 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पर जाओ। और सब्सक्रिप्शन के लिए अगर तुम्हें डिस्काउंट कोड चाहिए तो वो है आफरीन 111, ठीक है? आफरीन 111 इस्तेमाल करके सब्सक्रिप्शन फी पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है? डन बेटा, फनी यू बेटा, यही बता रही हूँ ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, आपको अनअकैडमी की ऐप में पहुंचा दिया जाएगा। 12 या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना, अगर डिस्काउंट कोड पूछा जाए तो आफरीन 111 कोड इस्तेमाल करना, ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम मैराथन सेशन, 2 घंटे का करंट अफेयर का मैराथन सेशन मैं लेने वाली हूँ फ्राइडे को, तो ज़रूर से उस क्लास में जुड़िएगा, ठीक है? थैंक यू so much everyone, bye bye, take care, ठीक है, bye बेटा।